दुनिया का कितना भी बड़ा मोटिवेशन हो, लेकिन जैसे ही सुबह 4 बजे अलार्म बजता है तो उस समय कोई भी मोटिवेशन काम नहीं करता। उस समय केवल यही लगता है कि बस 5 मिनट और सो लेता हूँ, और देखते ही देखते ये 5 मिनट कब 2 घंटे बदल जाती है पता ही नहीं चलता। इसलिए अगर आपकी भी नींद सुबह जल्दी नहीं खुलती तो इस वीडियो को ध्यान से पूरा देखना, क्योंकि इस वीडियो में उन सारी प्रॉब्लम्स को जड़ से खत्म करेंगे जो आपको सुबह जल्दी उठने से रोक रही है। इसके बाद आपको सुबह उठने में कोई स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा, ये आपकी लास्ट कोशिश होगी। सबसे पहले आप सुबह उठने में कहाँ गलती करते हो ये जानो। मिस्टेक नंबर 1, सुबह उठने के बाद क्या करना है ये पता नहीं होना। अक्सर ऐसा होता है कि हम सुबह उठने के लिए अलार्म लगा देते हैं और जोश में आकर सुबह उठ भी जाते हैं, लेकिन सुबह उठने के बाद हमें क्या करना है ये पता ही नहीं होता, जिसकी वजह से हम सुबह उठकर भी फिर सो जाते हैं। इसलिए अगर आपके पास सुबह उठने का कोई वजह नहीं है तो सबसे पहले उसका एक लिस्ट बनाइए, और सबसे पहला काम सबसे आसान रखो, मुश्किल नहीं, क्योंकि जैसे ही आपके माइंड को ये लगा कि उठने के तुरंत बाद कोई मुश्किल काम करना है, जैसे उठने के तुरंत बाद पढ़ना हो या दौड़ने जाना हो, तो 90% चांस है कि आपका माइंड आपसे कहेगा कि आज भर सो लेता हूँ, कल से पक्का सुबह जल्दी उठ जाऊंगा। इसलिए उठने के तुरंत बाद कितने समय में कौन सा काम कर लेना है वो भी सबसे इजी, इसका एक लिस्ट बनाइए। जैसे उठने के तुरंत बाद 2 ग्लास गुनगुना पानी पी लो, 5 मिनट टहल लो, फ्रेश हो जाओ, और जैसे ही आप एक्टिव हो जाओ उसके बाद में आप कोई भी मुश्किल काम कर सकते हो, जैसे पढ़ना है पढ़ सकते हो, दौड़ने जाना है जा सकते हो, यानी कोई भी काम कर सकते हो। मिस्टेक नंबर 2, देर रात तक मोबाइल फोन चलाते रहना। देर रात तक मोबाइल चलाकर लेट सोते हो और सुबह जल्दी उठने की कोशिश करते हो तो ये कोशिश जिंदगी भर करते रह जाओगे, लेकिन उठ नहीं पाओगे, क्योंकि जब तक आपकी नींद पूरी नहीं होगी तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको उठा नहीं सकती, और अगर उठोगे भी तो पूरे दिन आलस आता रहेगा और किसी भी काम को फोकस के साथ नहीं कर पाओगे। इसलिए कोशिश ये करो कि रात को 8 बजे के बाद मोबाइल को अपने से दूर रखो और हो सके तो उस समय किताबें पढ़ो। अब बात करते हैं कि आखिर सुबह जल्दी उठे कैसे, तो इसके लिए आपको सोने से पहले कुछ बातों का खास ध्यान रखना है। पहला ये कि कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद लेनी ही है, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि अगर आप कम सोओगे तो आपकी नींद पूरी नहीं होगी, और ज्यादा सोओगे तो दिन भर आलस आता रहेगा। इसलिए 7 से 8 घंटे की नींद आपके लिए परफेक्ट है, ना ही कम और ना ही ज्यादा। दूसरी बात ये है कि रात को सोने से 2 घंटे पहले हल्का भोजन करें। इससे होगा ये कि आपका खाना अच्छे से डाइजेस्ट हो जाएगा और आपको नींद बहुत अच्छी आएगी। इसके अलावा आपको अपने मोबाइल में एक ऐसी अलार्म सेट करनी है जो बहुत ही इरिटेटिंग हो, जिससे आपको तुरंत उसे बंद करने का मन करे, और सोते समय उसे अपने बेड से दूर रखे, इतना दूर कि उसे बंद करने के लिए आपको उठना पड़े, और जैसे ही आप उठ जाते हो तो अपने बिस्तर को फोल्ड करके साइड कर ले और अपने रूम के लाइट्स को ऑन कर ले। अब चाहकर भी आप दोबारा सो नहीं सकते, क्योंकि तब तक आपकी नींद भाग चुकी होगी।